मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे कि हम पत्ता गोभी की सीडलिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे पास पत्ता गोभी के कुछ सीड्स हैं, ये मैंने इंडियन एग्रीकल्चर हाइब्रिड सीड्स लिए थे। ये मैंने आपको पहले भी दिखाए होंगे, शायद मेरी पहले वीडियोस में भी आपने देखे होंगे। मेरे पास बहुत सारे इसी कंपनी के बीज हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये तो पत्ता गोभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ आज, इसकी वीडियो है। ये बैंगन के भी हैं मेरे पास, इसके कैप्सिकम के भी हैं, और भी हैं, लेकिन वो मेरे को भी पता नहीं मिल नहीं रहे, क्योंकि ये ही फ्रेशली मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि इन्हीं की सीडलिंग मैं आजकल कर रहा हूँ मेनली। तो फ्रेंड्स, पत्ता गोभी की जो ये वेजिटेबल होती है, एक विंटर की वेजिटेबल होती है, लेकिन आज मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ जनवरी के मंथ में। जनवरी भी अप्रॉक्सीमेटली वो खत्म हो चुका है और अब फरवरी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मेरा इसको ग्रो करने का एक बहुत ही अलग रीजन है। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा, आपको बहुत ही सस्ती रेट पे कैबेज मिल रही होगी, लेकिन जब इस टाइम पे जब मैं ग्रो कर रहा हूँ, तब मैंने देखिए फ्रेंड्स, एक बार ग्रो करके हार्वेस्ट ले चुका हूँ। ये मेरे सीड का पैकेट आपने देखा, ऊपर से खुला हुआ है, मैंने स्टेपलर मार के इनको प्रिजर्व किया हुआ है। इसमें भी अभी काफी सारे सीड्स हैं कि मैं 3-4 बार और सीडलिंग कर सकूँ, इतने सीड्स बचे हैं। मेरे को काफी ज्यादा प्लांट्स की जरूरत नहीं है, इसलिए अब की बार मैं सीडलिंग ट्रे का यूज कर रहा हूँ। हर बार तो फ्रेंड्स मैं पॉट में डाल देता हूँ तो खुले खुले खूब सारे प्लांट्स बन जाते हैं, लेकिन अब की बार मैं सिलेक्टिव ये चार, वैसे तो ये फ्रेंड्स बहुत बड़ी ट्रे होती है, मैंने उसे कट करके छोटे छोटे पीसेस बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, पीसेस को इजी से हम कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज्यादा ठंड है, तो सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट होने में थोड़े से दिन लगेंगे, इसलिए मैं सोचा उसको पॉलिथीन से कवर कर दे ताकि सीड्स की जर्मिनेशन जल्दी चालू हो। तो इसके लिए जो मैं मीडिया यूज करूंगा, एक बहुत ही लाइट वेट मीडिया होगा, और वो मीडिया है ये कोकोपीट और पत्तों की खाद का मीडिया। ये देखिए कितना ही सॉफ्ट मीडिया है, और पानी की होल्ड करने की कैपेसिटी देखिए, मेरे हाथ गीले हो गए मैंने इसको होल्ड करा तो। बहुत ही अच्छा मीडिया बनता है ये। इसमें मैंने 50% के करीबन कोकोपीट है और 50% इसमें पत्तों की खाद है। इसमें आपको पत्तों की खाद है, देखिए बड़ी बड़ी टुकड़े भी दिखेंगे लकड़ियों के, ये सब इसमें होता ही रहता है, क्योंकि पत्तों की ये फुली डिकम्पोस्ट खाद नहीं है, सेमी डिकम्पोस्ट खाद है। अगर हम सेमी डिकम्पोस्ट यूज करते हैं तो वो काफी अच्छा एरेशन सिस्टम भी बना रहता है प्लांट्स के रूट्स के लिए। अब इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्लांट डेवलप होंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, कोकोपीट और खाद के मिश्रण को हमारे सीडलिंग ट्रे में भरना होता है। तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ही हम इसमें भर लेंगे पहले, फिर सीड्स रखने के बाद दोबारा से कवर कर देंगे। अब देखिए, जैसे मैंने इसमें खाद और मिश्रण रख दिया है, तो अभी जैसे हमने इसमें कुछ भी पुश पुश नहीं किया है। अब देखिए, मैं उंगली की हेल्प से इसको थोड़ा सा ऐसे पुश करूंगा, तो इसमें एक स्पेस सी बन जाएगी और जो कोकोपीट सेटल होनी है वो सेटल हो जाएगी। ऐसे ही हम बीच में से हटा के सारे शेल्फ में अच्छे से फिल कर देते हैं। देखिए, इसको सारे को ऐसे इकट्ठा कीजिए और उस शेल में आराम से नीचे की तरफ कर दीजिए। जैसे थोड़ी बड़ी डंडी आ जाए तो उसको आप हटा भी सकते हैं, क्योंकि वो फिर डिस्टर्बेंस करती है। बड़े प्लांट को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीड्स को तो फर्क पड़ ही जाता है। इस तरीके से देखिए, ऐसे करेंगे हम, इसलिए पूरा करके आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी इसमें फिल कर लिया है, अब सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, इस पे हम करेंगे बारीक पानी का स्प्रे, ताकि जो मॉइस्चर है वो आराम से कोकोपीट पे थोड़ा सा सेटल हो जाए। वैसे तो फ्रेंड्स, कोकोपीट में बहुत सारा मॉइस्चर पहले से स्टोर रहता है, क्योंकि जल्दी की ड्राई नहीं होती है। अगर आपने इसको एक बार पानी दे दिया तो सर्दी के मौसम में तो जब तक आपका सीड जनरेट ना हो तब तक पानी देने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद भी फ्रेंड्स, काफी दिन तक आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने इसे पानी दे दिया है, अब मैं इसमें डालूंगा सीड्स, और मैं कोशिश करूंगा कि एक शेल में एक ही सीड डालूं, क्योंकि वैसे तो फ्रेंड्स आप दो भी डाल सकते हैं और अक्सर दो गिर ही जाते हैं क्योंकि सीड छोटे होते हैं, लेकिन आप कोशिश यही रखिए कि आप एक ही सीड डालें। देखिए, मैंने बहुत थोड़ी सी अमाउंट के सीड्स अपने हाथ पे लिए हैं, लेकिन ये भी बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। अभी मैंने सिर्फ इसमें 8 बीज लगाने हैं, और ये देखिए कितने सारे हैं, बाकी बच जाएंगे फिर हम वापस उस पैकेट में डाल देंगे जिसमें से हमने बीज को निकाला है, और फिर से उसको एयर टाइट करके रख देंगे, ताकि हम बाद में अगर फिर से फ्यूचर में सीडलिंग करनी पड़ी तो कर सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स आप 1 से 2 साल तक एक सीड्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक बारी में आप पैकेट लीजिए और पूरा लगा लीजिए, क्योंकि फिर पड़े रहने से फ्रेंड सीड्स के टिश्यू जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपस में हिलते रहते हैं, रगड़ खाते हैं, उसके कारण काफी सारे डिस्टर्बेंस भी होती है। तो जब से जल्दी आप उसको लगाने की कोशिश कीजिए, और सब कोशिश कीजिए कि सबसे फ्रेश सीड्स ही आप लें। तो अब मैं जो सीड्स हैं आपको लगाने का दिखाता हूँ। वैसे तो फ्रेंड बहुत ही मुश्किल होती है वीडियो के साथ उसको पकड़ के रखना, तो एक एक सीड इसमें डालना है मैंने, एक एक सीड से आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा, मैं डालता हूँ एक एक सीड। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक एक सीड डाला है, शायद आपको दिख भी रहा हो, जैसे इसमें एक ये सीड ये रहा, इसमें एक ये सीड ये रहा, इसका ये सीड ये रहा, और मैंने शायद एक सेल में गलती से 2 सीड्स भी डाल दी, क्योंकि छोटे छोटे सीड से डालते वक्त गलती से एक सेल में एक भी डल गया, शायद 2 डल गए हैं। कोई बात नहीं, अगर उगना होगा तो फ्रेंड्स उग जाएगा, और वैसे भी अगर 100% रिजल्ट फ्रेंड इस मेथड में मिलता है, लेकिन अगर हमें 90% अच्छा रिजल्ट मिल गया तो मैं बहुत ही खुश रहूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारी सीडलिंग करी है, मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। फ्रेंड्स, ये सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आप कंपनी का नाम नोट करना चाहते हैं तो नाम नोट कर सकते हैं, ये इंडियन एग्रीकल्चरल हाइब्रिड सीड्स है, और ये मुझे 20 रुपीज का एक पैकेट पड़ा था, मैं तो 35 लिखा हुआ है, लेकिन 20 का पड़ा था। इस पर फ्रेंड एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने जहाँ से लिया मुझे यकीन है कि ये बिल्कुल फ्रेश सीड्स हैं, क्योंकि आप या तो डेट की एक्सपायरी वाला लें, या तो आपको उस कस्टमर जहाँ या उस शॉप से जहाँ से आप ले रहे हैं आपको शॉप पे यकीन होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमें एक्सपीरियंस से ही आता है, क्योंकि जब हम लगा के देखते हैं जैसे, क्योंकि देखिए इस पर अगर एक्सपायरी नहीं लिखी तो वो काफ़ी टाइम तक इनको सेल करते हैं,
तो अगर आपको किसी, जैसे आपको कोई जान पहचान का हो या फिर आप किसी शॉपकीपर को जानते हैं जो अच्छी सीड सेल करता है, उसी से लें, या तो फिर अच्छी कंपनी के लिए। फ्रेंड्स, दो ही ऑप्शन होते हैं। तो मैं जानता था उनको और मुझे पता था कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स ही हैं, इसलिए मैंने लिए थे। तो चलिए अब इनको कवर करते हैं बिल्कुल हल्का हल्का। हम इसी कोकोपीट और खाद के मिश्रण से हल्का हल्का इनके ऊपर ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा थोड़ा, कि वह सीड जो है वो थोड़ा सा ढक जाए और दिखे ना। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कवर करना है। अगर आपने ज़्यादा मोटी लेयर दे दी तो फिर वो निकलने में सीड्स दिक्कत करेंगे और पौधा जो है फिर हमारा ख़राब हो जाएगा। अब जैसे हमने ये डाल दी है तो फिर इसको हम फिर से एक बार उंगली से ऐसे बैलेंस कर देंगे कि जो हमारी खाद और उसका मिश्रण है वो उस सेल्स में ही रहे, क्योंकि वेस्ट नहीं करना है, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है ये मिक्सर। अगर आप सिंपल मिट्टी में कर रहे हैं तब भी अच्छे आपको रिजल्ट मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो सभी इसी में करें। वैसे तो फ्रेंड्स ये जो होती है ये एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मीडियम होता है। अगर आपने देखा होगा कि जो कोकोपीट होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, मेरी एक वीडियो पहले से शायद थी या नहीं भी होगी तो मैं अगर फ्यूचर में डाल दूंगा कोकोपीट को कैसे बनाते हैं। कोकोपीट फ्रेंड एक बहुत ही अच्छा मीडियम है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो अब हम फिर से इस पर एक बारीक पानी का शावर करेंगे, बिल्कुल बारीक। ये मेरी स्प्रे बॉटल है, मैं इसे बिल्कुल बारीक शावर निकाल सकता हूँ। तो बिल्कुल बारीक सा शावर हमने इसे फिर से कर देना है। और अब हम इसको रखेंगे एक पॉली हाउस या फिर एक, अगर आपके पॉली हाउस नहीं है तो आपके लिए उसके लिए भी मेरे पास तरीका है। इसको सिंपल एक पॉलीथीन से कवर कर लीजिए, शॉपर जो जिसमें आप सामान वगैरह लेके आते हैं उससे आप इसको कवर कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसको अपने रूम में रख लीजिए, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वगैरह इसको मिल जाती है और ये बहुत जल्दी अपने ग्रोथ को स्टार्ट कर लेंगे। 2 से 3 दिन में फ्रेंड्स आपके सीड्स ग्रो हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए इसका रिजल्ट भी देखते हैं और आगे वीडियो में बने भी रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, आज हम मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें मेरे जितने भी मैंने शेल में सीड्स ग्रो किए थे और सब में एक एक प्लांट निकल आया है। और एक शेल में मैंने उसे कहा भी था, अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो मेरे से एक शेल में 2 गिर गए हैं। तो इस शेल में गलती से 2 गिरे थे और देखिए इसमें 2 उग गए हैं, बाकी सभी शेल में एक एक सीड मेरा आ गया है। और इस शेल में भी फ्रेंड एक छोटा सा निकल रहा है, अभी ये बहुत छोटा है लेकिन ये थोड़े देर में बड़ा हो जाएगा। बाकी देखिए 8 के 8 यानी 9 पौधे मेरे इस ट्रे में बन चुके हैं, अभी बस इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखने की जरूरत है। पहले मैंने इसको कवर्ड प्लेस में रखा हुआ था, पॉली हाउस में रखा हुआ था मैंने अपने पॉलीथीन से कवर करके, लेकिन अब इसको बाहर डायरेक्ट निकालना है। तो फ्रेंड्स बाहर प्लांट को डायरेक्ट निकालने से प्लांट शॉक में भी आ सकता है, इसलिए आप उसको धीरे धीरे करके निकालें। जैसे अभी आपने अपने कमरे में रखा हुआ है तो उसको फिर बाहर वेड़े में निकाल दीजिए, उसके बाद फिर उसको थोड़ा थोड़ा जब एडजस्ट हो जाए अपने मौसम के हिसाब से तब उसको बाहर पूरा कीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसको पानी कैसे दे। अगर फ्रेंड्स आपने गलती से कोकोपीट में ज़्यादा पानी दे दिया तो फिर वो कभी भी इसमें से निकलेगी नहीं, पानी जो है उसमें स्टोर हो जाएगा और काफ़ी दिन तक रहेगा। हाँ, आपकी जबकि मेरे सीड जर्मिनेट हो चुके हैं तब भी मेरी मिट्टी काफ़ी हद तक गीली है, इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर अभी भी है, लेकिन फिर भी मैं इसमें एक बारीक सा शावर करूँगा ताकि जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स को पानी मिल जाए एकदम, क्योंकि अगर नन्हे नन्हे प्लांट को जरा से भी पानी की कमी हुई तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वैसे तो फ्रेंड कोकोपीट में पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं बस दे रहा हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कह रहा, इसलिए मैंने हल्का सा बिल्कुल शावर करा है इन पे। आप देख सकते हैं पानी का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ रहा है, पत्ते हिल भी नहीं रहे अपनी जगह से जबकि इस पे पानी पड़ रहा है सीधा। तो कैसा लगे प्लांट्स आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं ऐसी ऐसी वीडियोस बहुत सारी लाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको सीड्स दिखाए थे मैं उनके पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगा जैसे ही वो ग्रो होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।